और हमने दुकान से किंडर जॉय भी खरीदे। ये देखो सबके हाथ में है एक एक। वाव वाव मुझे मिला। कैसा वाला? ऑरेंज। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको व आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो आने वाला साल है ये पूरा साल आपके लिए हैप्पीनेस लाए, खुशहाली लाए और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे और आपको मतलब जो है कि नए नए टारगेट्स मिले और आपका जो लक्ष्य है वो आपको प्राप्त हो। जब कभी भी नया साल आता है तो हम बहुत सारे अपने लिए टारगेट्स रखते हैं कि यार इस साल हमने इतनी सारी चीज़ें करनी है। और जैसे पिछला साल भी 2022 आया था तो 2022 में भी हमने बहुत सारे टारगेट्स रखे होंगे और कुछ चीज़ें हो जाती है कंप्लीट और कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो उन्हें हम इस साल में और ऐड कर लेते हैं। तो हमेशा हमें अपना जो लक्ष्य होता है, जो हमें अचीव करना है, उससे दो स्टेप और आगे का लक्ष्य बनाना चाहिए। तो मैथ के हिसाब से समझते हैं, अगर हमें 10 चाहिए तो हमें 12 का लक्ष्य बनाना चाहिए, तब हमें जाके वो 10 मिलने वाला है। और हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें 10 चाहिए तो हम 10 ही का टारगेट रखते हैं और कहीं ना कहीं हम 6 या 7 या 8 पे आगे अटक जाते हैं। तो ये मैंने नंबर्स से आपको उदाहरण दिया है। तो हमेशा आपको जो चाहिए उससे दो स्टेप्स आगे का टारगेट रखिए। तो नए साल में आपके व आपके परिवार के जो भी टारगेट्स हैं वो सारे कंप्लीट हों। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और आपका जो जीवन है वो एक सुखमय जीवन होना चाहिए, आनंदमय जीवन होना चाहिए, फुल ऑफ मेमोरी होनी चाहिए। जैसे हमारे 2022 के साल में बहुत सारी मेमोरीज जुड़ती हैं तो ऐसे हम भी चाहते हैं कि 2023 में भी हमारी बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज जुड़ें। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। आज 31 दिसंबर है और मेरे परिवार की चल रही है नए साल की तैयारियां, क्योंकि पुराने बुजुर्ग कह गए हैं कि आप साल के पहले दिन जो करेंगे तो वो पूरे साल भर होता रहता है। कि कई लोग क्या करते हैं कि साल के पहले दिन यात्रा करते हैं तो वो पूरे साल भर यात्रा ही करते रह जाते हैं। कई लोग साल के पहले दिन बहुत सारा खाना खा लेते हैं तो पूरे साल भर खाना ही खाते हैं। मतलब ऐसे पुराने बुजुर्ग कहते हैं। तो साल के पहले दिन करने हैं बहुत अच्छे अच्छे काम। देखिए मेरे साथ है बच्चा पार्टी, ये मेरा छोटा सा भांजा है और ये है आरव, इसको तो आप जानते ही हैं। और ये है मेरी क्यूट सी भांजी आरुषि। तो आरुषि, आरुषि की मम्मी, आरुषि के पापा और आरुषि की छोटी बहन ये कल यहाँ पे पहुँचे हैं। सुबह सुबह थोड़ा सा सैड फील हो रहा है क्योंकि रश्मि और राहुल चले गए हैं और उन्हें मैं सुबह सुबह रोडवेज भेज के आया। और कल के दिन यानी कि 30 तारीख को चाचा जी, चाची जी और दोनों भाई वो कल चले गए थे। तो उन्हें मैंने काफ़ी रोकने की कोशिश करी, मैंने कहा कि यार नया साल है, आप नए साल पे रुक के जाइए, मतलब आप 1 तारीख को या 2 तारीख को यहाँ से निकलिए, कोई बात नहीं, नया साल एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो कुछ पर्सनल काम है अपने, कुछ ऑफिस के काम है। राजू का बीटेक चल रहा है देहरादून से तो उसको भी वहाँ जाना है। तो सबके ज़रूरी काम थे और मैंने काफ़ी ज़बरदस्ती करा रोकने का, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाए कि हम एक साथ सेलिब्रेट कर पाएँ। लेकिन अभी भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। मेरी दोनों बहनें हैं, नानी हैं, मम्मी हैं और आरुषि के पापा भी आ रखे हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने यहाँ पे। मेरी बड़ी बहन है वो दिल्ली रहती है और छोटी बहन रहती है लुधियाना। यहाँ देखो इनके हमेशा चलते हैं यहाँ टीवी में कार्टून, तो अभी भी ये लेट के कार्टून देख रहे हैं। बाकी घर के सारे लोग गए हैं ऊपर छत में और ये देख रहे हैं यहाँ पे कार्टून। रश्मि बुआ गई। कौन गया? रश्मि बुआ। और कौन गया? और बाकी लोग भी गए। सब लोग गए? हाँ, राहुल चाचा गए बस। राहुल चाचा और रश्मि बुआ गई। और राजू चाचा? राजू चाचा, शिवम चाचा सब गए। तो देखिए कितना उदासी है। जब घर से लोग जाते हैं तो बहुत उदास सा फील होता है और थोड़ा एक दो दिन लग जाता है एडजस्ट करने में, क्योंकि इतने दिन से ही बहुत हंसी खेल जब स्कूल बच्चा छुट्टी नहीं होती ना। हाँ, तो मैडम मारती है। मैडम मारती है? हाँ। अच्छा, जब आप स्कूल नहीं जाते तब मारती है मैडम? नहीं। तो जब किसको मारता है बच्चा तब मारती है। आरुषि कौन से स्कूल में पढ़ती है? थर्ड। ये तो क्लास हुई। स्कूल कौन सा पढ़ा है आपका? लक्की पब्लिक स्कूल। लक्की पब्लिक स्कूल। अच्छा, तो भांजी लोग रहते हैं दिल्ली, तो दिल्ली में एक लक्की पब्लिक स्कूल है तो वहाँ पढ़ते हैं। और आरव का स्कूल का नाम क्या है? विजडम पब्लिक स्कूल। और आपके भांजे राम, आपके स्कूल का नाम क्या है? बीबीएम विद्या मंदिर। अरे भारतीय विद्या मंदिर बीबीएम। अरे अच्छा, तो इसके स्कूल का नाम है भारतीय विद्या मंदिर बीबीएम। ओहो, देख रहो मेरा भांजा कितना समझदार है। अभी छोटा है 3 साल का और समझदार, देखो तुम कितना है।
और इसको देख के बड़ा मजा आता है। सबसे बड़ी है आरुषि, फिर है आरव, फिर है एक छोटी भांजी और ऊपर छत में वो भी है, और उसके बाद है सबसे छोटा स्टार चिंटू अपना। यहाँ पे हमारी मैडम कर रही है घर के काम बहुत सारे, 6 बजे से ही बिजी है, और मेहमानों को भेजना हुआ, मेहमानों के लिए नाश्ता बनाना हुआ, तो सब कुछ इसने करा है और अभी तक ये बिजी है। अब चल रही है दिन के खाने की तैयारी, तो थोड़ा बहुत दिन के खाने में मैं हेल्प करूँगा अपनी बीवी की, ताकि थोड़ा जो वर्कलोड है वो कम हो जाए। और अब चलते हैं ऊपर छत में, छत में जाके देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। ये हमारी छोटी सी भांजी और ये है बड़ी भांजी, तो क्या कर रही है? अच्छा, ये लूडो की गोटियों के साथ खेल रही है, और बगल में चल रखा है बहुत ख़तरनाक कारोबार कचबोली बनाने का। तो ये मेरी बड़ी बहन है आरती, और उसने छोटू को पकड़ रखा है, और देखिए यहाँ पे लीडर साहब कचबोली बनाने की लीडर, और अभी नानी जी नीचे हैं, नानी जी भी आने वाले हैं, शायद पहली बार मिल रहे होंगे। ये हमारे जमाई जी, शायद पहली बार ही आ रहे हैं वीडियो में, माल्टे की कचबोली बन के आ गई है हाथ में, और जमाई जी के हाथ में भी है। तो माल्टे की कचबोली खाने के बाद रिव्यू लिया जाएगा सबसे कि कैसी बनी थी। ये देखो तुम, भाई साहब कोई देख भी नहीं रहा माल्टे की कचबोली खाते समय, इसको देखो तुम ये। तो आरती जी कैसी बनी थी कचबोली? बहुत टेस्टी हुई थी, खट्टी मीठी अच्छा। पर खाड़ों पर नहीं, खट्टी मीठी और टेस्टी, बहुत डिलीशियस डिलीशियस मस्त। अच्छा, अरे आरती की गोदी में देखिए छोटू सो रखा है। कैसी बनी थी कचबोली? अच्छी थी, अच्छी थी है ना? हाँ, बड़ी बड़ी। देखिए ये हमारे परिवार की सबसे ज़्यादा क्यूट लड़की है, मतलब इससे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है परिवार में। यहाँ चल रहे हैं उल्टे काम, जब बहुत बड़ा परिवार हो जाता है तो कपड़े कितने ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब इधर बगल में पंकज की छत भी कैप्चर हो गई है आज कपड़े के लिए, और अपनी छत तो पूरी कैप्चर आई। तो फिर क्या प्लान है आज नए साल का? रंगोली बना रहे हो? हाँ। अच्छा, गुड। नानी जी भी हो गए हैं बिल्कुल रेडी और धूप में जाने के लिए, तो नानी ने सिर्फ एक ही दिन खाई थी कचबोली, उस दिन से कचबोली नहीं खाई। हमारे घर की मिस्टर इंडिया जो सारे कामों को बिल्कुल आसान बना देती है, तो अभी क्या कर रही है? प्याज कट रहे हैं, टमाटर सब कुछ रखा है, और मतलब मेरे से कहा गया है कि खाना आज तुमने बनाना है, तो आज मैं करूँगा कोशिश, बनाऊँगा नहीं, क्योंकि बनाना मेरे को कुछ नहीं आता, मैं खाली करता हूँ कोशिश। कोशिश कभी सक्सेसफुल हो जाती है और कोशिश कभी फेल हो जाती है। 98% चांसेस है मैं अपनी कोशिशों में फ़ेल हो जाता हूँ और 2% सक्सेस हो जाता हूँ, लेकिन जो मज़ा आता है वो 98% जब मैं फ़ेल हो जाता हूँ तब ज़्यादा मज़ा आता है, अगर मैं सक्सेस हो गया तो फिर बिल्कुल मज़ा नहीं आता मेरे को। तो पहली बार 10 से 11 लोगों का खाना बना रहा हूँ, तो देखते हैं बन पाता है कि नहीं बन पाता है। नानी का देखें, हमेशा की तरह गांव वालों का फोन आ रहा है नानी को, 1 घंटा हो गया बात करते हुए, एक घंटे से नानी बात कर रही है लगातार। तो जो खाना बनाने का काम है ऑलमोस्ट मैंने रेडी कर दिया है, बस थोड़ा पकने में टाइम लगेगा, मतलब 5 से 7 मिनट पकने में लगेगा। दोनों बहनों का और मिसिस का बन गया है बाजार जाने का प्लान, और यहाँ पे देखिए मैडम हो रही है तैयार, और बाकी सब लोग भी हो रहे हैं तैयार बाजार जाने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है तुम बाजार जाके आ जाओ, और अपने को मिले हैं बच्चों की जिम्मेदारी कि बच्चों को तब तक संभाल के रखना है सारे। ये देखो क्या बट रहा है भैया, इधर हमें भी दे दो, क्या बट रहा है, क्या खा रहे हो? चॉकलेट खा रहे हो? ये देखो यहाँ आधे लोग तो अभी रजाई से उठे भी नहीं है, दिन के खाने के आराम के बाद। अरे बताओ, और हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है ना, बिस्किट ना चॉकलेट। ये देखो इसको आराम आराम से लगी हुई है। ये देखो मार्केट के लिए चले गए चारों लोग, बाय तो कर दो एक बार। तो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी है मेरे पे, और मार्केट वो बच्चों को लेके नहीं गए, मैंने ही मना करा कि आप बच्चों को लेके मत जाइए मार्केट, क्योंकि अगर आपके साथ बच्चे होते हैं तो बच्चे इधर उधर चलते फिरते कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, और
चोट लगने का भी डर लगती है क्योंकि गाड़ियाँ भी चलती है मार्केट में, ताकि अभी थोड़ा हवा भी चल रही है, तो ऐसे में बाहर जाएंगे और उनको आने में पक्का रात तो हो ही जानी है, तो ऐसे में तबीयत ख़राब होने का भी डर है। तो नहीं, मैंने कहा आप सब चले जाइए, बच्चों को यहाँ पे छोड़ दीजिए, मैं देख लूँगा, घर में रहेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। और ये जो ब्लू कलर का पाइप है, इसमें आ रही है हमारी जियो फाइबर की लाइन, तो मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था जियो फाइबर का। और ये जो रेड कलर के पाइप है, इनके बाहर से कवर हैं, तो देखिए यहाँ तक तो आ गई है लाइन, और इसके बाद मेरे को लग रहा है यहाँ से आगे आगे बढ़ते बढ़ते आगे को जाएगी। तो होप जियो फाइबर के कनेक्शन हमें जल्द देखने को मिलेंगे। ये भांजा और ये भांजी, ये दोनों एक ही क्वालिटी के हैं, ये दोनों रहते हैं बहुत शांत, ठीक है, मतलब शांति से रहेंगे, कोई आवाज़ नहीं आएगी इनके मुँह से। और ये बड़ी वाली भांजी है, और एक वो है आरव, तो ये दोनों एक ही क्वालिटी के हैं। इन दोनों को चाहिए शैतानी करने के लिए, हल्ला मचाने के लिए, तो मतलब दो एक जैसे हो गए, तो दो एक जैसे हो गए और दो एक जैसे हो गए हैं, और एक एरिए में हल्ला नहीं मचाती, तो दोनों के तब से उल्टे काम चल रहे हैं। उसको अपने साथ के लिए मिल गई है ये, और इसको अपने साथ के लिए ये मिल गया है, ये देखिए। तो दोनों के दोनों रहते हैं बहुत शांत, मतलब इनके मुँह से कभी तुम्हें ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनाई नहीं देगी। यही है वो चार नमूने जिनकी जिम्मेदारी अपने सर पर आ रखी है, और पता नहीं इन्हें कह रहे हो घुमाओ घुमाओ। और आप मौसम देखिए, क्या सर्द विंटर डेज चल रहे हैं, सर्द मौसम कह रहे हैं, और घुमाओ। हाय दोस्तों, हम कहीं घूमने आए हैं और आज बहुत ठंड है और हमने दुकान से किंडर जॉय भी खरीदे, ये देखो सबके हाथ में है एक एक। वाह वाह, मुझे मिला कैसा वाला? ऑरेंज। ऑरेंज वाला मेरे को लड़की। तो इन तीनों की पसंद एक जैसी है, किन्नर जो है, और उसकी पसंद थी क्रैक्स। एक बिल्ली आती है, बिल्ली वो देखिए भाग गई, वो लगभग 7 बजे का समय हो रहा है, और यहाँ पे हो रही है समोसा पार्टी। आप देख सकते हैं घर के सारे मेंबर यहाँ पे बैठे हैं, ये देखिए जवाई जी भी है हमारे साथ। सिस्टर लोग मार्केट गए थे तो वहाँ से लेके आए हैं समोसे, और अभी चल रही है समोसा पार्टी, और उस पार्टी से इन तीनों को कोई मतलब नहीं है। इन तीनों को देखो, तीनों लगे हुए हैं मोबाइल में यहाँ पे, इन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो नानी जी कैसा हो रहा है समोसा? बढ़िया, एकदम बढ़िया। नानी ने जब भी वीडियो में आती है कुछ भी पूछ लो, नानी ने बोलना है बढ़िया, एकदम मस्त बढ़िया। और देखिए मम्मी ने पकड़ रखा है छोटू को, और वो देखिए उसकी निगाहें, देखिए कहाँ हैं निगाहें, हैं सीधा इधर टीवी पे, तो टीवी पे निगाहें हैं। और उधर देखिए वो रखा है नाराज भांजा, तो उसको मनाया जा रहा है। और अभी अभी उसने बोला मेरे को लुधियाना भेज दो, मेरे को नहीं रहना है यहाँ पे। तो जवाई जी के पास भी आ चुकी है चाय। तो जवाई जी कैसा रहा आज बाजार का टूर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस सबका एक ही जवाब रहता है बहुत बढ़िया। सबने कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि बहुत बढ़िया। रश्मि जी हमेशा की तरह मेहमानों की सेवा में। रश्मि जी क्या है फिर प्लान आज? किस चीज का? डिनर का। बस बनाते हैं थोड़ी देर में। क्या है फिर यार, न्यू ईयर भी है, सरप्राइज है। ओके, न्यू ईयर का केक भी आ चुका है, अभी अभी गया था मैं मार्केट, मेहमानों को लगा दिया गया है गाजर घिसने पे, और लगभग आज लेके आए हैं 5 किलो गाजर। 5 किलो गाजर का हलवा बन रहा है न्यू ईयर के स्पेशल मौके पे, और लगभग लगभग 4 किलो दूध 5 किलो गाजर आ गया है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया गया है। यहाँ देखो इन तीनों को, इनका अपना ही कार्यक्रम चल रहा है यहाँ, तो ये वाह। तो ये देखिए ये ड्राइवर बना है कार का, अरे पीछे बैठी हैं 2 सवारियाँ। तो आप कहाँ मुंबई जाना है? आप कहाँ जा रहे हो गाड़ी लेके? मुंबई। मुंबई, मुंबई किससे मिलोगे? मुंबई मेरे दोस्त से। दोस्त से? हाँ। अमिताभ? मेरी बहन। अमिताभ बच्चन से? अमिताभ बच्चन से नहीं। बस कुछ ही घंटों में नया साल शुरू होने वाला है, और हर पल को सेलिब्रेट करना चाहिए, हर त्यौहार को सेलिब्रेट करना चाहिए। और मैं मतलब इस साल तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, और स्पेशल नानी जी हमारे साथ है,
और नानी जी, क्योंकि आज तक हम जब भी नानी को मिले हैं तो गांव में ही मिले हैं, और अच्छा है इस खुशी के मौके पे नानी हमारे साथ है। तो बच्चों का बन गया है डांस का प्लान, और यहाँ से मैंने टेबल रख दिया है यहाँ ऊपर, ताकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस हो जाए डांस करने के लिए। और यहाँ पर दर्शक भी आ चुके हैं। तो मस्त सबका डांस वांस हो गया है और खूब मजे करे, थोड़ा डांस हमने भी करा, और अब है खाने की तैयारी। मतलब बहुत सारी भूख लग गई यार, और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन सबका इंतज़ार हो रहा है ये गाजर के हलवे में। तो 12 बजने वाले हैं और कुछ ही समय बचा है, तो किसी का बर्थडे नहीं है और खाली एक केक लिया है। तो बर्थडे नहीं है किसी का, तो ये खाली हैप्पी न्यू ईयर के लिए एक सेलिब्रेशन है। अरे यहाँ पे नानी जी है, मम्मी है, जवाई जी हो गए, पूजा और छोटे बच्चे और आरती, सभी का आभारी हूँ कि आप इस खुशी के पल में मेरे साथ हैं, और YouTube फैमिली का भी आभारी हूँ कि आप भी इस खुशी के मौके पे हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1 ओहो, मुझा जल्दी गन्नू, ये हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो हमने नानी के द्वारा ये शुभारंभ करा है केक का, न्यू ईयर का केक काटा जाएगा नानी के द्वारा, और सभी पे नानी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, इसकी दुआ करेंगे हम कि 2023 का साल 2022 से भी अच्छा जाए। टेन, ठीक है लगाओ फिर, 10 प्लेट लगाओ। 1 2 3 4 5 आ गया है हैप्पी न्यू ईयर का केक, और इधर देखिए सब है पार्टी में मस्त। नए साल में एंट्री हो चुकी है हमारी, और 2022 हमने पीछे छोड़ दिया है, अब आ गए हैं 2023 में। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ और खुद से भी उम्मीद करता हूँ कि 2022 से अच्छा ये 2023 रहे, और सबकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो, और जो आपने टारगेट्स रखे हैं, अपने लक्ष्य हैं, वो भी आप ज़रूर अचीव करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में।